بسم اللہ والصلاه والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین आज का है औरत स्टेटस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द डेवलप्ड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट व्हाई आई मीन द मेन जेंडर हैज नॉट बिन गिवन दैट मच इम्पॉर्टेंस और कंट्रोवर्शल थ्रू आउट दिस्ट्री दमेन रिमेन कंट्रोवर्शल थ्रू आउट द हिस्ट्री यही सवाल अगर अपने आप से करें तो जैसे हमारा एक ही मौजू है हमेशा के वाई सो ये इशू बना क्यों इशू इसलिए बना कि इंसान की एक फितरत है इसने वर सेगमेंट का इस्तेसाल करना है, इस एक कमज़ोर तबकारी की तराश में रहता है कि उस पर झपटे उसके हकूक़ गसब करे और उसका इस्तेसाल करे या हम कहते हैं उसको एक्सप्लाइट करे यह आप देखें कि ये फितरत में इसको अगर एक्सपेंड करें उसकी इस फितरत को तो इसमें जेंडर नहीं बहुत कुछ आ जाएगा अब मैं आपको सवाल करता हूँ चंगेज़ ख़ान के पास क्या था कि वो सारी दुनिया को लूटने निकल गया और किसको लूटा उसने जो कि चंगेज़ खान से कमज़ोर थे जहां उसको रुकावटें पेश आईं जहां उसके मुकाबले में लोग ताकतवर थे उनको छोड़ दिया उसने उधर को चलता गया जिधर उसको कमजोर तबकात मिलते गए और उनको लूट और प्लंडर का शिकार बनाता गया यही हिस्ट्री है यही रेफरेंसेस है यही काम सिकंदर आजम ने किया हिस्ट्री बड़ी पड़ी है सारी जंगो वदाल एक ही चीज के पीछे है इसी तरीके से अगर कमज़ोर तबकात ग के तौर पर फरोख्त हुए हंट हुए बाजारों में बिके इसलिए कि वो अपना दिफा नहीं कर सकते थे अगर औरत भी फरोख्त हुई है माशरे में या अभी तक उसकी फैसले कोई और करता है तो कोई वीकनेस हैं जैसे कहते हैं ना कि घर की दीवार क्या गिरी तो लोगों ने रास्ते बना लिए आप देखें कि अफ्रीका में फैमन की तस्वीर अभी गूगल पर लगी हुई है उस बच्चे की वो हड्डियों का पिंजर बन चुका है कैद की वजह से कुछ लम्हों का मेहमान है उसके भी सांस उखड़ रहे हैं और गिद्धे उसके करीब बैठी हैं वो सिर्फ एक चीज के इंतजार में है कि वेन दिस चैप हैज द लास्ट ब्रीथ ये सांस आखिरी खत्म हो हम इसको झपटे ये रिफ्लेक्शन है कि अभी उसमें थोड़ी सी जान है तो उसके करीब नहीं आ रहे जान खत्म होने के इंतजार में है तो गिद्धों ने झपटना उस बच्चे पर यकीन करें इम्पीरियलिस्ट ईरा हो कलोनियल इरा हो ताकतवर अकवााम ने कमज़ोर अकवााम पर कब्जा करना उन्हें लूटना अपना हक समझा अगर इंसानियत से मोहब्बत होती तो कुछ लेके जाते उनके लिए कि तुम कमज़ोर हो बताएं इंसानियत फिर कहाँ है मैं कहता हूँ कि इंतहा है कि जिसको हम ऑर्गेनाइज और, और मोस्ट सिविलाइज वर्ल्ड कहते हैं यूनाइट स्टेट्स कहते हैं सुपर पावर कहते हैं What happened few days ago in the capital? अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही दुनिया की सबसे बड़ी के से तारफ है। What they did? अंदर का इंसान देखा कितना और डिसऑर्गेनाइज है एक दम बाहर आया और कैपिटल हिल पर जाकर धावा बोल दिया अंदर का इंसान क्या हल क्या है इसका हल मुकाबले में ताकत है कोई हल नहीं है कोई तबलीग कोई जुबानी तकरीरें नहीं है और ये बिल्कुल उस आयत का मैफूम पेश किया है मुसलमानों अपने घोड़े तैयार बंदे रखना क्या मतलब ये डेटनेस हालांकि अल्लाह के फरिश्ते बचा सकते हैं मुसलमानों को मोमनों को वो कह सकता है कि तुम अगर गाफल भी हो तो परवाह नहीं चूंकि मेरा कलमा पड़ा हुआ तो आई विल बी सपोर्टिंग यू ए डिफेंडिंग यूने कहा नो इस दुनिया के कुछ मैंने असूलो कवानीन वजह किए हैं और वो है डेफरेंस क्रिएट करना तैयार घोड़े बंदे यानी तैयार कर कर बांध दिए हैं कि बवक्त जरूरत फौरी तौर पर उन पर बैठा जाए और अपना ऑफेंसिव या डिफेंसिव लॉन्च किया जाए प्रिपरेशन का लेवल इतना हो क्योंकि अल्लाह जानता है कि जंग की तो नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि दुश्मन पहले ही हीट करेगा व्हाट इज योर प्रोफेशनल लेवल जो ही पता लगा कि आपका प्रोफेशनल लेवल नहीं है तो यू आर इनवाइटिंग तकदीर के काजी का यह फतवा है अदल से है जुर्म जयफी की सजा मर गए वीकनेस इनवाइट एग्रेशन अब आ गई बात मौजू पर औरत जेंडर ग्रीस जितनी भी तहजीबें हुई हैं उनमें ये जो ग्रीक लोग थे ये पहले सिविलाइज हुए इल्म से नाता जोड़ा इसी तरह थ्री ग्रेट जीनियस प्लेटोटीज वहीं पैदा हुए लेकिन इस ग्रीस की पोजीशन ये देखें कि वहाँ औरत समान की तरह फरोख्त होती रही बैगन अरब्स में हकायक हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज बच्ची की पैदाइश जो थी शर्म का सबब समझी गई और अभी इस दौर में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में देर आर फैमिलीज इन पाकिस्तान जहां बच्ची की पैदाइश को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता वाई कहाँ रह गई इमेनिटी और इंसानियत कहीं इनको वो हकूक देने को तैयार नहीं है लेकिन इसके मुख्तफ फेस में खुद ही तकसीम किया हुआ इसको मां बन जाती है तो एहतराम के काबल हो जाती है लेकिन बेटी की शक्ल में दुनिया में आता देखने नहीं चाहते ये इंसान है भला अरा इसके मैार पर गौर तो करना सेम एंटिटी सेम जेनेटिक कोड वो अगर दुनिया में आती ही ना तो मां कैसे बनती ये इंसान है इस काबल इसको मैार और कसौटी बनाया जाए अब आ जाता है सवाल का जवाब कि फिर इस माशरे में इज्जत कैसे हासिल की जाए मैं बताऊं इज्जत हासिल होती है जब आपकी वर्थ में आपकी वैल्यू में इजाफा हो मैं मखस तौर पर कहूँगा जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है हमारे माशरे में यकीन करें उसकी वर्थ में इजाफा होता है इसलिए वक्त के साथ साथ इसने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखा ये बहुत बड़ा सहारा है इसलिए कि कई ख़ात सारी उम्र खामोशी से तमाम बेजतीयों को बर्दाश्त करते हुए इसलिए ज़िंदगी गुजार लेती हैं खावत के साथ या अपने ससुराल के पास कि मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से धक्ारी गई वालदे मेरे दुनिया में नहीं रहे इस माशरे में तो भीड़ ये हैं कहाँ जाऊँ कितना बड़ा समझौता करती हैं जिंदगियां गुजार देती हैं लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों किसी स्टेटस के हकदार हों जॉब पर हों पैसे आपको आ रहे हों आपका इतमाद का लेवल और आपकी इसी माशरे में वैल्यू यही माशरा जो पूछता नहीं है ये बच्चियां जब सी एस एस कर गईं तो आप देखें कितनी कमियां कोतियाँ दरगुजर कर देगा जो माशरा